हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका झटपट रेसिपीज बाय दीप्ति में। आज हम यहाँ पे बनाएंगे सीजन की सब्जी आलू मटर और टमाटर की। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ पे हमने दो मीडियम साइज के प्याज ले लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है और 10 से 12 कलियां लहसुन की ले ली है। इनको हम अब ग्राइंड कर लेंगे। अब हम टमाटर की भी एक प्यूरी तैयार कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, हमने प्याज का पेस्ट तैयार कर लिया है और यहाँ पे टमाटर की प्यूरी। हमने कुछ ड्राई मसाले यहाँ पे रख रखे हैं। अब हम इन ड्राई मसालों को प्याज में ऐड कर देंगे। इसमें हमने लगभग आधा चम्मच हल्दी डाल दिया। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, अगर आप ज्यादा तीखा खाते हैं तो ज्यादा तीखा डालिए। मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच मिर्च का यूज किया है। यहाँ पे मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ। धनिया पाउडर यहाँ पे हम लगभग 4 चम्मच डालेंगे। इसमें ऑयल ऐड करेंगे। इसमें हम 5 से 6 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ये ऑयल लगभग 5 से 6 चम्मच है। हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। इसमें मैंने 1 तेज पत्ता, 1/2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1/2 चम्मच हींग और जीरा लिया है। हींग का यूज मटर में हम करेंगे क्योंकि मटर कुछ लोगों को गैस भी क्रिएट करती है। और इसको हम कुकर में डाल देंगे और इसी के साथ इसमें पेस्ट जो तैयार किया था वो ऐड कर देंगे। अब हम इस पेस्ट को बहुत अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पे हमारे मसाले लगभग भून गए हैं और इन्होंने ऑयल रिलीज करना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे और इसको भी हम अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पे हमारे टमाटर भून रहे हैं। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। 2 से 2.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप इसको भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। देखिए, मसाले का कलर यहाँ पे हमारा नेचुरल ही रेड आ रहा है। कोशिश कीजिए कि काश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ कम से कम खानों में कीजिए, बट अगर आपको लगता है तो आप डाल भी सकते हैं, बट डेली यूज के खानों में काश्मीरी लाल मिर्च का यूज ज़्यादा मत कीजिए। टमाटर भी हमारे अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें मटर ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें आलू भी ऐड कर देंगे। देखिए, आलू हमने इसमें ऐड कर दिया और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इनको भी बहुत अच्छे से भूनेंगे। और इसमें हम गर्म पानी का यूज़ करेंगे। थोड़ा सा पानी मैंने गर्म कर लिया है। देखिए, 2 से 3 मिनट हो गए हैं और यहाँ पे हमारी सब्जी भी मसालों में अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें लगभग 2 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। ये गरम मसाला मैंने घर पे ही बनाया है और अगर आपको इस मसाले की भी रेसिपी जाननी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। और गरम मसाला के साथ भी हम इसको 2 से 3 मिनट चलाएंगे। अब हम इसमें गरम पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। जैसी आप ग्रेवी खाना चाहते हैं उसी अकॉर्डिंग आप ऐड कीजिएगा। एक सीटी आने के बाद इसको हम सिम आंच पे 5 मिनट तक पकाएंगे। सब्जी हमारी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना भी ज़रूर दीजिए।